नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होगा। टॉप 25 क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका 25 में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 20 प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डांडिया इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है। तो देखिएगा, डांडिया जो होता है वो आपका गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है, तो भांगड़ा जो होता है आपका पंजाब का होता है, इसे आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि घूमर किस राज्य का होता है, तो घूमर जो होता है वो आपका राजस्थान का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो देखिएगा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी वो आपका सरोजिनी नायडू थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो आपका श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जल्दी से इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है 8 मई, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 जून या ऑप्शन डी 5 जून। तो यहां पर आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी 7 अप्रैल बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है आपका 21 जून को मनाया जाता है, इसे आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो होता है वो आपका 8 मई को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान रख लेना। और पर्यावरण दिवस जो होता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहां पर आपको बताना है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन पूछा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। ऑप्शन है लुम्बिनी, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी बोध गया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था। तो देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो आपका बोध गया में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बोध गया लाइव चैट में बताए उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन को। छह नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है। आपको बताना है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, आंवले में जो होता है वो आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, विटामिन डी जो होता है आपका सूर्य की रोशनी में मिलता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। यहां पर आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था वो आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगेस, यानी कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी अयोध्या। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, कानपुर जो होता है वो आपका गंगा के किनारे पर बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और कटक जो होता है आपका महानदी के तट पर बसा है, और कोलकाता आपका हुगली पर बसा है, और अयोध्या जो होता है आपका सरयू नदी के किनारे पर बसा है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है, हु आर द ऑथर ऑफ जन गण मन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, तो जल्दी
से बताना है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन होते हैं। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा जन गण मन के रचयिता जो होते हैं आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगता है। आप जितने लाइव हो उतने जाकर के जल्दी से लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन का उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इजी है लेकिन काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है। तो देखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल जो होता है आपका हॉकी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा है कि विच ग्लैंड ऑफ वुमेन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, यानी कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्लैक सॉइल इज सूटेबल फॉर विच क्रॉप, यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है मटर, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी बाजरा। तो देखिएगा काली मिट्टी के लिए जो उपयुक्त होता है आपका कपास के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बांग्लादेश वाज फॉर्मड इन 1921 आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि किस देश से अलग होकर के 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी पाकिस्तान बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र, यानी कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो जल्दी से बताना है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन होते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो यहाँ पर आपको बताना है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए पंचतंत्र पुस्तक के लेखक जो थे आपका विष्णु शर्मा था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और महाभारत ग्रंथ के जो लेखक होते हैं आपका महर्षि वेदव्यास, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और रघुवंशम के लेखक आपका कालिदास थे, और रामायण जो पुस्तक है यानी कि रामायण ग्रंथ है उसका लेखक जो होते हैं आपका महर्षि वाल्मीकि थे, इसे भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रक्त का थक्का ना बनना, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी अर्कता या ऑप्शन डी किडनी रोग। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इंसुलिन की कमी के कारण से जो होता है वो आपका डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 1799, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1771 या ऑप्शन डी 1769। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में लड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, और 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन पूछा है कि पावापुरी इज अ प्लेस रिलेटेड टू विच पर्सन, यानी कि पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। ऑप्शन है मोहम्मद साहब, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी गुरु नानक देव या ऑप्शन डी महावीर। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना, मैं आपका सभी का कमेंट पढ़ने वाला हूं, तो जाकर के इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ बांग्लादेश करेंसी, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है टाका, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी रूबल या ऑप्शन डी रुपया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम होता है। तो देखिएगा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम जो होता है वो आपका टाका होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और जापान की मुद्रा की बात कर लेते हैं, तो जापान की मुद्रा का नाम जो होता है वो आपका येन होता है, और रूस का होता है आपका रूबल, और भारत का रुपया होता है, इसे भी आपको नोट में कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द नेशनल कैडेट कोर्प्स एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है कि भारत में एनसीसी का स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 1895, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1922। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए एनसीसी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1948 को हुआ था,
कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इंडियन आर्मी का स्थापना की बात कर लेते तो इंडियन आर्मी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1895 को हुआ था, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और VSF का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1965 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना कि UNO का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन में 25 अक्टूबर 1946, ऑप्शन सी 27 दिसंबर 1945 या ऑप्शन डी 24 सितंबर 1945। तो जल्दी से बताइएगा कि UNO का स्थापना कब हुआ था। तो देखिएगा UNO का स्थापना जो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होता है। तो देखिए काजीरंगा जो होता है वो आपका असम में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी असम लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पर होता है, तो कान्हा नेशनल पार्क जो होता है आपका मध्य प्रदेश में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने द आर्मी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारा सेकंड चैनल है जिसमें मैं ही क्लास लेता हूं, तो जाकर के सब्सक्राइब करना, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपसे मैं बोलना चाहूंगा जैसे हमारे चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद ही मॉडल पेपर का पक्का टेस्ट होगा, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे और फर्स्ट कमेंट में भी, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, आपको बताना कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो होता है आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ सुसाइड बैग कॉल्ड, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, जल्दी से बताना कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है आपका राइबोसोम को कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और RBC का संतान, यानी कि RBC का कप्रकाश जो कहा जाता है आपका प्लीहा को कहा जाता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और कोशिका का पावर जो कहा जाता है आपका माइट्रोकांड्रिया को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक द आर्मी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब करना, 2 मिनट के बाद ही वहां पर भी आर्मी का मॉडल पेपर का क्लास होने वाला है, तो जाकर के सब्सक्राइब करना, लिंक आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपका स्कोर कितना होता है, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट GK और JS में कितना स्कोर होता है, जाकर के कमेंट करके बता देना है। और आर्मी क्लास में लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में भी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाते जाते एक एक लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।